हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड आल्सो सरेंडर ऑफ शेयर्स, जो कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ही कवर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, होता क्या है, व्हाट इज़ रिकंस्ट्रक्शन। मेन तो क्वेश्चन ये है, एक्सरसाइज ऑफ रीस्टेटिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अपनी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज इनको रीस्टेट करना, करंट वैल्यूज पे शो करना, जो नॉन हेल्दी या जो यूजलेस असेट्स हैं या जो जो लाइबिलिटी हमने ओवर स्टेट किया हुआ है उसको सही करके राइट अमाउंट पर शो करना। क्यों करते हैं, ताकि जो क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जिनके साथ हम डील करते हैं बिजनेस के अंदर, वो हमारी बिजनेस में सपोर्ट मिले उनको और वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशंस को अच्छे से जज कर पाएँ। क्या फ़ायदा होता है, टू जनरेट असेट्स सरप्लस फॉर राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड राइटिंग ऑफ ओवर स्टेटेड असेट्स। जो लॉसेस हैं, एक्यूमुलेट लॉसेस हैं, उनको राइट ऑफ करना और जो असेट्स हमारी ओवर स्टेटेड हैं उनको सही वैल्यूज पर शो करना। टू जनरेट कैश फॉर वर्किंग कैपिटल नीड्स इफ इट इज़ पॉसिबल, तो जो यूजलेस असेट्स हैं उनको रिप्लेस करना बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन्स और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स के लिए शेयर्स इशू करके या डिबेंचर इशू करके एक्स्ट्रा पैसा रेस करना। दो टाइप का हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एज वेल एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकॉग्नाइजेशन विद इन द एंटिटी, मैंने अपनी एंटिटी के अंदर ही हमने अपने बिजनेस को दोबारा से रिकॉग्नाइज किया, दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कोई और कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, हम अपने बिजनेस को खुद ही रिकॉग्नाइज करके रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। एक्सटर्नल में हम अपना बिजनेस किसी और कंपनी के साथ एब्जॉर्ब कर लेंगे या मर्ज कर देंगे, लाइक अमलगमेशन। तो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। इंटरनल में हम कोई और एंटिटी इन्वॉल्व नहीं होता, हम अपने बिजनेस को ही दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जबकि एक्सटर्नल में कोई सेकंड एंटिटी का भी यूज़ होगा और उसमें या तो हम अपनी कंपनी को मर्ज कर देंगे या अमलगमेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट इसमें हो सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर में वी विल डिस्कस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। द फॉलोइंग आर द प्रोसेस एंट्री के लिए, ये कॉमन रूल है, इसको आप याद कर लीजिए। कोई भी एसेट्स अगर इंक्रीज होता है बैलेंस शीट का ड्यू टू एन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो उस एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी में इसका रिवर्स रूल चलेगा, लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, क्योंकि ये हमारा बेनिफिट है। मैंने सिंपल लॉजिक ये कि जो आपके प्रॉफिट्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो बिज़नेस के फेवर में जा रहा है उसको तो क्रेडिट करेंगे और जो बिज़नेस के लिए लॉसेस हैं उसको हम डेबिट करेंगे। तो असेट्स इंक्रीज होना एक तरह से आपका प्रॉफिट है, क्रेडिट। लाइबिलिटी डिक्रीज होना भी आपका एक तरह का प्रॉफिट है, क्रेडिट। असेट्स डिक्रीज होगा, डेबिट। लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, डेबिट। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम असेट्स को रिवेल करेंगे तो क्या होगा। अगर असेट्स करने रिवेल करने से इंक्रीमेंटल वैल्यू, जो भी असेट में चेंज हुआ, जैसे आपने 50,000 का कोई असेट्स था उसको 70,000 का कर दिया, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 20,000, जितना आपने चेंज किया वो अमाउंट इसमें रिप्रेजेंट होगा। और अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, उसकी रिवर्स एंट्री हम पास करेंगे। ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू क्रेडिटर्स, जैसे हमने कोई अपनी लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए अपनी कोई असेट्स अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, तो हमेशा रूल क्या चलेगा, लाइबिलिटी डेबिट होगा और जो भी असेट्स आपने उसको दिया उसको क्रेडिट करेंगे और जो भी इसका डिफरेंस आएगा इट विल बी ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। मे बी क्रेडिट भी हो सकता है और ये डेबिट भी हो सकता है। यहाँ मैं शो कर देता हूँ, यहाँ पर इसको हम डेबिट में भी शो कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो डेबिट हो सकता है, दिस इज़ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। माने यदि आपको एक तरह से मैं देखूं तो यदि आपको लॉस होगा तो लॉस आपका क्या होगा इसमें, दिस इज योर लॉस। माने आपने अपनी एसेट्स ज़्यादा अमाउंट की दी है जबकि आपकी लायबिलिटी कम थी, और अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। इट मींस आपकी जो लायबिलिटी है वो कम थी, सॉरी ज़्यादा थी, लेकिन जो बदले में आपने एसेट्स दिया है वो ज़्यादा अमाउंट को दिया, तो इट मे बी अ प्रॉफिट और मे बी अ लॉस। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको अवेलेबल है, प्रॉफिट भी हो सकता है आपको और इसमें लॉस भी हो सकता है। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड इज ग्रेटर देन द लायबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर अभी, अगर आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो फिर आपकी ये वाली एंट्री बनेगी, लायबिलिटी डेबिट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। प्रॉफिट और लॉस दोनों की कमन एंट्री बना सकते हैं आप।
कोई अनप्रोडक्टिव असेट्स इसका यूज़ नहीं है, उसको आप प्रॉफिट में ही बेच सकते हैं, लॉस में भी सेल हो सकता है। प्रॉफिट में होगा तो बैंक डेबिट टू असेट्स टू रिकंस्ट्रक्शन, लॉस होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट। लाइबिलिटीज़ को पेमेंट कर रहे हैं आप, अगर लाइबिलिटी को आपने कम पेमेंट किया तो बेनिफिट होगा, तो एंट्री बनेगा लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक जितना पैसा दिया और जो बेनिफिट हुआ ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन। ज़्यादा पे करेंगे तो लॉस होगा, तो जो आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। कई बार हम कोई ओल्ड लाइबिलिटी को न्यू लाइबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो ओल्ड लाइबिलिटी डेबिट, दिस इज ओल्ड लाइबिलिटी, मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपका बेसिकली ओल्ड लाइबिलिटी है, दिस इज योर, जो भी आपकी ओल्ड लाइबिलिटी है वो डेबिट होगी और जो बदले में हम उसको न्यू लाइबिलिटी इशू कर रहे हैं वो हम क्रेडिट करेंगे, दिस इज योर न्यू लाइबिलिटी। तो ओल्ड लाइबिलिटी डेबिट, न्यू लाइबिलिटी क्रेडिट टू रिकंस्ट्रक्शन, अगर बेनिफिट हुआ है, लॉस होगा तो ये फिर ये आपका डेबिट होगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कोई लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, उसने वेव ऑफ कर दिया, तो दिस इज स्टेट ऑफ योर बेनिफिट, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। इशू ऑफ फ्रेश शेयर, कई बार हम नए शेयर इशू करते हैं तो जो एंट्री हम शेयर इशू में बनाते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वही यूजुअल एंट्री बनेंगी जो हम इशू ऑफ शेयर के कॉन्सेप्ट में बनाते हैं व्हेन यू आर इशूइंग अ फ्रेश शेयर। अगर मैं अपनी ओल्ड शेयर कैपिटल को न्यू शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ कैपिटल को, जैसे मेरी ओल्ड शेयर कैपिटल 10 लाख की थी, अब नई शेयर कैपिटल 6 लाख की कर दी, तो दिस इज़ माई बेनिफिट, तो ओल्ड डेबिट टू न्यू टू रिकंस्ट्रक्शन। आपको याद करना है ओल्ड को डेबिट करेंगे हमेशा, जो नया आ रहा है उसे क्रेडिट करेंगे, और डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। जो भी आपकी बैलेंस शीट में आपके सरप्लस वगैरह है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सेट ऑफ फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, एंट्री बनेगी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट टू असेट्स। जो भी आपने अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को यूज़ किया है इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, बेसिकली ये जो एंट्री बनता है दिस इज फॉर बैलेंसिंग अकाउंट, जब क्लोज करेंगे तब ये एंट्री बनेंगी बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। इस अकाउंट को बैलेंसिंग करने के लिए हम नॉर्मली ये एंट्री पास करते हैं। नाउ ट्रांसफर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन सरप्लस टू कैपिटलिज्म, और यदि आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने कहाँ उसका बैलेंस यूज करना है, तो जो भी उसका बैलेंस आएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई आपका जो बैलेंस है उसको हमें यूज़ करना है टू बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम उसको राइट ऑफ करेंगे या असेट्स में ट्रांसफर करेंगे, या यदि ऐसा नहीं दे रखा तो बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नेम के साथ आफ्टर डिडक्शन शुड एंड विद द वर्ड एंड रिड्यूस्ड, ये रूल है। जैसे आपने कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन किया तो रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद कंपनी जब क्लोज करेंगे तो उसके साथ एक वर्ड लगा देंगे एंड रिड्यूस्ड, माने आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। नाउ वी डिस्कस सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर ऑफ शेयर्स का एक नया कॉन्सेप्ट है जो हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। सरेंडर ऑफ शेयर इज एन अल्टरनेट टू कैपिटल रिडक्शन, इन दिस केस द शेयर होल्डर्स वॉलंटियर टू रिटर्न सम ऑफ शेयर बैक टू द कंपनी। शेयर होल्डर ने अपने को शेयर कंपनी को दे दी, चाहे वो उसको यूज कर सकती है किसी एसेट्स या किसी लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करने के लिए। तो जब शेयर होल्डर अपने शेयर सरेंडर करेंगे तो हम एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर, माने ये एक्चुअली शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दे दिए और वो इन शेयर्स को आगे यूज कर सकती है टू पेइंग ऑफ एनी लाइबिलिटी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट, तो फॉर द टाइमिंग जो शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स ने दिया उसको हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर सरेंडर अकाउंट में। द शेयर सरेंडर कैन बी इधर इक्विटी या प्रेफरेंस, उसके बाद हम उस सरेंडर वाले अमाउंट को यूज़ कर रहे हैं टू पेइंग ऑफ एनी लाइबिलिटी। तो ये जो सरेंडर वाला अमाउंट था इसी का हमने यूज़ किया है, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जितना जैसे आपने कोई लाइबिलिटी वाले को इन आउट ऑफ सरेंडर शेयर दिए तो एंट्री बनेगी शेयर सेंटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, माने एक तरह से देखें तो मिस्त्री इस शेयर होल्डर से हमने शेयर लेकर इस लाइबिलिटी वाले को अब कंपनी का शेयर होल्डर बना दिया और उसकी लाइबिलिटी हमारी डिस्चार्ज हो गई, और जो उसकी लाइबिलिटी थी उसको हम कैंसिल करेंगे
तो कैंसिल करने की एंट्री बनेगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो सरेंडर शेयर है वो 2 लाख रुपए का है, दिस इज ऑफ रुपीज 2 लाख, और मैंने कोई लायबिलिटी है उसको इसमें से 1 लाख के शेयर इशू कर दिए, और वो जो लायबिलिटी थी वो थी फॉर एग्जांपल मेरी 1.20 लाख की। तो 1.20 लाख की लायबिलिटी के बदले में इन्होंने हमारे 1 लाख के सरेंडर शेयर ले लिए, तो ये शेयर एक्चुअली इस लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो गए। उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर हैं, जो भी सरेंडर शेयर सरेंडर अकाउंट में जो रिमेनिंग शेयर बचा वो कितना बचा, अप्रॉक्सीमेटली मैं देखूँ तो इट इज 80,000, अगर लास्ट में यूज़ नहीं होंगे तो इसको फिर हम अल्टीमेटली ट्रांसफ़र कर देंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। आप अगर फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं तो रिसिप्ट ऑफ कैश टू बैंक अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, कैश रिसिप्ट प्रेजेंट प्रॉफिट सिंस देयर इज नो इंक्रीज इन लायबिलिटी, और लास्ट में जो भी शेयर सेंटर अकाउंट का बैलेंस है वो हमने कैश के बदले में कोई पैसा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। हमने लॉजिकली ये जो शेयर है ये शेयर हमने मार्केट में इशू किए हैं फॉर रेजिंग फर्दर कैश, तो लॉजिक वही है बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन देन शेयर सेंटर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, द शेयर सेंटर में भी इधर रीयूज्ड बाय सेम। और उसके बाद मैंने आपको बताया लास्ट का जो बैलेंस बचेगा शेयर सेंटर का उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। ये हमारा अल्टीमेट फिगर है जो हमारा बनेगा। सो इस लेक्चर में मैंने कुछ एंट्रीज आपको बताई, नाउ कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ वी डिस्कस वन एग्जांपल देखते हैं, द पेड अप कैपिटल ऑफ कैनी लिमिटेड अमाउंटिंग टू 2,50,000 कंसिस्टिंग ऑफ 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 2.5 लाख रुपए की आपकी पेडअप कैपिटल, इसमें 25,000 शेयर हैं आपके। ड्यू टू लॉसेज इंकर्ड बाय कंपनी कॉन्टिन्यूसली द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड अ स्कीम फॉर रिकंस्ट्रक्शन। डायरेक्टर्स ने क्या किया, स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन किया विच वॉज ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने उस स्कीम को अप्रूव्ड किया है। द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इन लीव ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग, जो ये जो होल्डिंग है 25,000 शेयर की उसको हम क्या कर रहे हैं, फुली पेड अप इक्विटी शेयर दे रहे हैं इक्वल टू 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग। तो उस होल्डिंग का 2/5 के इक्वलेंट हम उनको नए शेयर दे रहे हैं। 5% प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर। ये जो नए इक्विटी शेयर पॉइंट ए में जो इशू किया उसका 20% हम उनको प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, और साथ में 3,000 डिबेंचर दे रहे हैं। तो ये तीनों चीज किसको दिया गया, ये जो 2.5 लाख के शेयर्स थे उनको। उसके अलावा एन इशू ऑफ 2,500 5% डिबेंचर हमने इशू किया मार्केट में, और कुछ असेट्स को हमने रिड्यूस किया है। सो वी नीड टू पास आउट एंट्री। तो अगर मैं एंट्री की बात करूं तो सबसे जो पहली एंट्री हमारे पास बनती है, दिस इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड। ओल्ड कितना था आपका, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ओल्ड जो कैपिटल वो 2.5 लाख की थी आपकी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो नए शेयर्स दिए वो कितने दिए, 2/5, माने इस 2.5 लाख के 2/5 के इक्वलेंट आपने उनको नए शेयर्स इशू किए। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स कितना दिया आपने, प्रेफरेंस शेयर आपने दिया इस 1 लाख का 20%। डिबेंचर कितने दिए, 3,000 डिबेंचर्स दिए 10 रुपए वाले, और जो डिफेंस आया तो मैंने ओल्ड डेबिट टू न्यू, ये सारे न्यू हो गए, और डिफेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिया, टू कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, एक ही बात है। इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है कि आपने फ्रेश शेयर इशू किए हैं, तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट 2,500 × 10, 25,000 रुपये के आपने फ्रेश शेयर इशू किए। उसके अलावा आपने गुडविल को 1.5 लाख से 75 कर दिया, 75 से आपका गुडविल राइट ऑफ हुआ। मशीनरी 50,000 से 37,500 हो गए, 12,500 से मशीन को राइट ऑफ किया। लीज होल्ड प्रीमाइसेस 75 से 62,500, 12,500 से लीज होल्ड प्रीमाइसेस को राइट ऑफ किया। देन एंट्री बनी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्लांट एंड मशीनरी टू लीज होल्ड प्रीमाइसेस। सो इस टाइप से आप ये एंट्री आसानी से पास आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, द लेजर बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड गिवन है आपको, फिक्स्ड एसेट 7 लाख, इन्वेस्टमेंट 10,000, स्टॉक डेटर, ये आपको बैलेंस शीट के डाटा गिवन है, और फिर ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। एज्यूमिंग ऑल लाइब्रेरीज आर फुली कंप्लाइड विद पास एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव स्कीम एंड प्रिपेयर द पोस्ट
रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट। तो पहले हमें इसकी जो, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आपको जो एंट्री पास करने के बाद वी आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, तो और ओल्ड बैलेंस शीट क्वेश्चन में आपको गिविन नहीं है, सो बेटर कि हम पहले इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से अपना एक बना लें बैलेंस शीट। तो फिक्स्ड एसेट आपको 7 लाख का गिविन है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, डेटर, ये सब आपके असेट साइड में आएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 6 लाख का गिविन है, डिबेंचर 2 लाख का गिविन है, 5 लाख का ये 80,000 का आपका, 50,000 का आपका लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट है, 80,000 रुपीज़, ट्रेड क्रेडिटर्स आपके 11,50,000 रुपीज़ के हैं, और ये आपको गिविन है इसमें। क्वेश्चन में लिखा है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इन बोथ टाइप्स ऑफ डिबेंचर, एक एक साल का आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, तो बोथ टाइप के डिबेंचर्स का आपको इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग 2 लाख का 10% 20,000, और 5 लाख का 12% 60,000, तो 80,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग आएगा। तो सारी फिगर्स डालने के बाद ये आपका P&L अकाउंट जो है, इट इज़ जस्ट लाइक ऑफ योर बैलेंसिंग फिगर, ये आपका एक तरह से बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट हो गया। तो अब पहले आपको ये बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो सबसे पहले इसने बोला टू मेक एन एग्जिस्टिंग ₹100 इक्विटी शेयर फुली पेड अप एंड देन टू रिड्यूस देम टू ₹20। पहले ही जो आपके शेयर्स थे, अगर मैं देखूँ तो ये 60% पेड अप थे, इसका मतलब आपने इसको पहले 100 रुपये का शेयर को फुली पेड अप करना है, तो 40 रुपये हम इनके और कॉल्ड करेंगे, 6 लाख अपॉन 60 करेंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं लाइक 10,000, तो 10,000 का आपने 40 रुपये और कॉल कर लिया, तो 4-4 लाख रुपये आपने इनके कॉल करके इनको फुली पेड अप में कन्वर्ट कर लिया। अभी जैसे आप फुली पेड अप में कन्वर्ट करोगे, तो 6 लाख तो थी पहले कैपिटल, 4 लाख और हो गया, तो 10 लाख की आपकी शेयर कैपिटल हो गई। उस 10 लाख की शेयर कैपिटल को फिर ये बोलता है कि आपने ₹20 पर रिड्यूस कर दिया, तो ये अब एंट्री बनेगी ओल्ड कैपिटल 10 लाख और न्यू कैपिटल 2 लाख, और 8 लाख रुपए का डिफरेंस जो है वो हम ट्रांसफर कर देंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। टू सेटल द क्लेम ऑफ फर्स्ट डिबेंचर होल्डर बाय इशूइंग 2,013.5% डिबेंचर और ₹100 ईच। तो फर्स्ट डिबेंचर थे वो थे आपके 2 लाख रुपए के, और इनका 20,000 रुपए का इंटरेस्ट भी था, तो 2,20,000 का इनका ओवरऑल क्लेम है। उस क्लेम के बदले में हमने इनको 2,013.5% डिबेंचर ऑफर किए हैं, तो 10% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर्स को हमने 2 लाख के नए डिबेंचर इशू कर दिए। नाउ डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ द सेकेंड डिबेंचर होल्डर, उनको 4,000 के आपने और नए वो दिए हैं डिबेंचर, तो इसका भी एंट्री वही बनेगी आपकी, डिबेंचर होल्डर 4 लाख के थे लेकिन जो नए डिबेंचर दिए हैं वो कितने का दिया आपने, दो जो जो ओल्ड डिबेंचर 5 लाख के थे लेकिन जो नए डिबेंचर्स दिए हैं वो आपने उनको दिए हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख के, तो 1 लाख का जो हमारा बेनिफिट है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। टू पे 3 लाख टू मिस्टर वाई इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, हु इज़ मिस्टर वाई, मिस्टर वाई को जो हमने पैसे देने थे उसमें 3 लाख रुपये दिए हैं मिस्टर वाई को इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ये जो आपकी ट्रेड क्रेडिटर इसमें वाई था जिसको हमने 8.5 लाख रुपये देने थे, तो 3 लाख में वो एग्री हो गया, तो 8.5 लाख वाले को हमने 3 लाख में डिस्चार्ज किया है, तो एंट्री बनेगी सन्ड्री क्रेडिटर 11,50 में 3 लाख का, तो ये हो गया। और जो बाकी डिबेंचर होल्डर हैं 12,15,000 इक्विटी शेयर ₹20 ईच टू डिस्चार्ज द रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स, 15,000 के आपने बाकी को डिबेंचर इशू कर दिए, शेयर इशू कर दिए 20 रुपये के रेट से 3 लाख रुपये का, तो कंप्लीट लाइबिलिटी आपकी 11,50 की थी, 11,50 वालों को आपने 3 लाख, 8,50 वालों को तो आपने 3 लाख रुपये दिए, बाकी वालों को आपने 3,000, बाकी वालों को आपने 15,000 इक्विटी शेयर दिए हैं 20 रुपये के रेट से, 3 लाख रुपये हो गए, देन डिफरेंस ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और ये जो एंट्री है डिबेंचर इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था वो आपने ट्रांसफर किया रिकंस्ट्रक्शन में, इस एंट्री को मैं कंबाइन कर सकता था इसके साथ में, ये जो मेरे पास एंट्री यहाँ पर थी लाइक 10% फर्स्ट डिबेंचर डेबिट, उसका इंटरेस्ट भी डेबिट करके टू डिबेंचर होल्डर आप डाल सकते थे 2,20,000 से, फिर 2,20 के बदले में आप उनको नए डिबेंचर देते, और जो 20,000 का डिफरेंस है वो हम ट्रांसफर करते थे कर सकते थे रिकंस्ट्रक्शन में। ऐसे ही यहाँ पर तो 60,000 का डिफरेंस आता इंटरेस्ट मिलाकर, वो भी ट्रांसफर होता,
बाकी इसने बाकी एग्जाम्पल में आपने 80,000 का इंटरेस्ट डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया रिकंस्ट्रक्शन में, हम चाहें तो उसको दो पार्ट्स में ना करके यहीं पर उनका प्रॉपर क्लेम दिखा सकते थे। एक बार फिर देख लो, 2 लाख का ये डिबेंचर का इंटरेस्ट था और 1 साल का इंटरेस्ट इनका आउटस्टैंडिंग था। तो एंट्री बनती डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2 लाख, इंटरेस्ट था आउटस्टैंडिंग 20,000, 2 13% डिबेंचर 2 लाख, और 20,000 का डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, रिकंस्ट्रक्शन में। ऐसे यहाँ पर आपका 60,000 जो रिमेनिंग बचता है वो यहाँ पे अगेन ट्रांसफर होता है रिकंस्ट्रक्शन में। एक साथ आपने ट्रांसफर कर दिया 80,000 को रिकंस्ट्रक्शन में। उसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा है टू अलॉट 15,000, ठीक है, तो हो गया पॉइंट। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट आपकी 20,000 रुपये की हो गई। तो पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी, मार्केट वैल्यू में इन्वेस्टमेंट पहले 10,000 की थी, एंड नाउ इट इज़ ऑफ 20,000, तो 10,000 का फ़ायदा हो रहा है आपको। एंड उसके अलावा इसमें लिखा है क्वेश्चन में टू राइट ऑफ द फिक्टिशियस असेट्स एंड टू रिड्यूस द फिक्स असेट्स। मैंने रिड्यूस द फिक्स असेट्स का मतलब है जितनी रिक्वायरमेंट हो उतने अमाउंट से हम फिक्स असेट्स को रिड्यूस कर देंगे, माने ये आपका एक तरह का बैलेंसिंग फिगर है जो हम इस अकाउंट में शो करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एंट्री बनेगी पहले रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L, ये जो एक्सपेंसेस थे, और ये जो 5,10,000 रुपये हैं ये आपकी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है, माने बैलेंसिंग फिगर को हम यूज़ कर रहे हैं टू ट्रांसफर टू फिक्स असेट्स। तो ये आपका एक तरह का दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर जो हम ट्रांसफर करेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। आफ्टर टेकिंग ऑल दीज एंट्रीज हम इसकी प्रिपेयर कर सकते हैं नई बैलेंस शीट। नए में आपको कोई नया पॉइंट नहीं करना, ये जो आपने एंट्री पास किया ये देखना है, और जो आपकी ओल्ड बैलेंस शीट है उसको देखना है। दोनों को अपडेट करके वी कैन प्रिपेयर अ न्यू बैलेंस शीट। सो होप सो आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड माई यूट्यूब चैनल्स टू गेट मोर अपडेट्स, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो।